हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज का मेरा जो वीडियो है वो एक रिपीट वीडियो है इन अ वे। द बैकग्राउंड इज के आज से ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पहले जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था वो था अबाउट 18 मंथ बेबी का फूड रूटीन। तब अथर्व ऑलमोस्ट 18 या 19 मंथ्स का था, तो मैंने उसका क्या पूरे दिन में वो खाता है वो रूटीन शेयर किया था। फॉर सम reasons दैट वीडियो इज नॉट वॉचेबल, कुछ टेक्निकल इश्यू है उसकी वजह से। एंड आई थॉट कि इट इज अ वीडियो जो शायद बहुत लोगों को यूजफुल हो सकता है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 ईयर से ऑलमोस्ट 2 ईयर के एज ग्रुप में है। सो आई थॉट आई शुड री अपलोड दैट वीडियो। एंड अब तो अथर्व ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का हो गया है, जैसे कि आप सब जानते हो गए, उसके रूटीन में बहुत चेंजेस आए, स्पेशली इन द मॉर्निंग रूटीन, बिकॉज हम लोग ने उसका प्ले ग्रुप शुरू किया एट अराउंड 22 मंथ्स। तो मैं बहुत जल्दी एक अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन या फुल डे रूटीन वीडियो शेयर करूंगी आप सबके साथ, बट टिल देन एंजॉय दिस वीडियो, बाय। मेरा बेटा अभी 18 महीने से थोड़ा ऊपर का है, पर ये जो फूड रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ वो हम लगभग जब से वो 1 साल का था तब से फॉलो कर रहे हैं, और आगे चलते भी मोर और लेस यही फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही बेसिक और जो हम लोग खाते हैं वही चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड की हुई है। सुबह सबसे पहले जब वो उठता है तो सबसे पहले पानी पीता है, और साथ में मैं उसको देती हूँ 1 अंजीर और 1 या 2 बादाम जो मैं रात में भिगो के रखती हूँ। मैं अंजीर भी अलग से भिगो के रखती हूँ, क्योंकि अंजीर भी यूजुअली थोड़ा हार्ड होता है और पानी में भिगो के रखने से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसका एक्सेस शुगर भी निकल जाता है। तो सुबह वो उठ के आराम से 10-15 मिनट ये खाते खाते फ्रेश होता है, थोड़ा नींद से भी जागता है, एंड उसका मेटाबॉलिज्म भी इसके साथ किक स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद करीबन आधे पौने घंटे बाद हम उसको ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ब्रेकफास्ट में यूजुअली जो घर पे रेगुलर सबके घरों में बनता है, सुबह उत्तपा, इडली, पराठा, खिचड़ी, कभी मीठा पुआ, यही सर्व किया जाता है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर वो पसंद करता है। आज हमने उसके लिए बनाया उत्तपा, जिसके अंदर टमाटर, प्याज, गाजर, ये सारी चीज़ें हम लोग डाल देते हैं, और ये वन ऑफ हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम्स है। और आप देख सकते हो कि वो खुद ही खा जाता है, उसको पीसेस करके दो और वो खुद ही पूरा उत्तपा खा जाता है। मैंने ये वीडियो हिंदी में किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके और उनको फ़ायदा हो सके। However, for our English viewers, I've put all the necessary information in the subtitles on the video. So that should help. Just in case you want me to do a separate video on this topic in English, do let me know in the comment section down below. ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कभी कभार वो कुछ फ्रूट्स या कोई जूस या कुछ पी लेता है, बट इट डिपेंड्स, अगर जल्दी ब्रेकफास्ट किया है तो ये खाता है, बट यूजुअली क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट होता है तो फिर हम अवॉइड करते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ भी देना, ताकि वो लंच अच्छे से खा ले। लंच में यूजुअली वो वही खाता है जो हम सब खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल। अब वो क्योंकि सारे मसाले खाने लगा है तो उसका कोई अलग से खाना निकलता नहीं है, ना उसके लिए कोई अलग से सब्ज़ी बनती है।
और उसके साथ में हम उसको एक कटोरी दही देते हैं क्योंकि इसका दूध का इंटेक थोड़ा कम है। और फिर अगर उसको भूख हो तो थोड़ा सा राइस एंड में खाता है, वरना नहीं भी खाता है। के बाद जब वो अपनी आफ्टरनून नैप से उठता है तो हम उसको थोड़े से इवनिंग स्नैक्स देते हैं, जो यूजुअली ड्राई स्नैक्स होते हैं, मुरमुरे हो गए, मखाने हो गए, मूंगफली हो गई, और उसके साथ उसको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स देते हैं क्योंकि उसने सुबह बादाम और अंजीर खाया होता है, तो शाम में यूजुअली हम पिस्ता, काजू, किशमिश ये देते हैं। और साथ में उसका ज़्यादा पेट ना भर जाए लेकिन कुछ न्यूट्रिशन पैक्ड भी मिल जाए, इसलिए हम उसको या तो पनीर क्यूब्स दे देते हैं दो चार, या मूंगफली के लड्डू, या खजूर के लड्डू, चिक्की, इसमें से कोई भी आइटम देते हैं। और उसके बाद वो यूजुअली दूध और बनाना या मैंगो मिल्क शेक, ऐसा कुछ दूध बेस्ड आइटम खाता है, और फिर वो अपना शाम का खेलने जाता है। और फाइनली उसके बाद डिनर में अगेन जैसे कि लंच में था, जो भी घर में बना है सेम चीज़ उसको भी हम देते हैं, ऑल फैमिली मील्स। तो क्योंकि हमने दिन में रोटी सब्जी दाल पूरा मील खाया था, तो शाम में थोड़ा सा ऐसे दिन पे हम कुछ लाइट डिनर करते हैं, तो या तो स्टफ्ड पराठा हो गया, या खाली पराठा सब्जी हो गया, या पुलाव हो गया, तो ये खाता है वो। उसके साथ यूजुअली एक बोल दही खाता है। और उसके बाद फाइनली डिनर के बाद हम लोग उसको कुछ फ्रेश फ्रूट्स दे देते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट्स, ताकि अगर उसकी कोई भी भूख बची है तो वो भी सेटिस्फाई हो जाए और रात को अच्छे से सो पाए। इसके अलावा वो रात को सोने से पहले ब्रेस्ट फीड करता है और रात में अभी भी एक या दो नाइट फीड्स लेता है। तो ये था मेरे बेटे का पूरे दिन का खाने का स्केड्यूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।